नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। लगभग यहाँ सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आपसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से निकाला गया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये कंपनी जो है भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। बात करें हम किस किस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी कितनी रहने वाली हैं, और इन्हें कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी 14 रहने वाली हैं। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है आपका बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर आपका डिप्लोमा के बाद बीटेक होना चाहिए तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है आपका बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन से, या फिर आपके पास डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, और आपके मिनिमम परसेंटेज 60% होने चाहिए। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल, एससीएसटी के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 30 साल, ऐसे ही करके दिया गया है। फिर अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर के लिए। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है आपका बीटेक होना चाहिए केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बीटेक आपका होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क के, और एससीएसटी कैंडिडेट के 55% मार्क होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर आपसे केमिकल के अलावा अगर और भी आपकी कोई ब्रांच है फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक आपका होना चाहिए, और यहाँ पर और में करके दे रखा है अगर आपका बीटेक है फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन से तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल के लिए। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है आपका बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, या अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। मिनिमम परसेंटेज आपके 60% होने चाहिए। यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी वाइज एज दे रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी आईटी के लिए। यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन में मांगा गया है आपका बीटेक होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। मिनिमम परसेंटेज आपके 60 होने चाहिए। आपको एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि आपकी जो भी एज है या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका कट ऑफ डेट 1/3/2022 रखा गया है। सारी चीज़ें इसी के हिसाब से काउंट की जाएंगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1,000 रुपये रहने वाली है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी के कैंडिडेट जो भी हैं एससीएसटी, एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर इनकी कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की, तो आपको जो है पहले 1 साल तक के मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट मिलने वाली है। इसमें आपको 30,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाले हैं। इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपकी सैलरी 77,400 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब बात करते हैं हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो रहने वाला है आपका ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। आपका वेटेज जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का रहने वाला है 80% और पर्सनल इंटरव्यू का 20%। यहाँ पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से भी होकर गुजरना होगा। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
तो आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने स्टेप वाइज बता रखा है, आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, RCP वेबसाइट, फिर आपको HR रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर जाना है आपको अप्लाई ऑनलाइन में, वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन और ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी वो आपको फिलअप करनी होगी। आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेटें दी गई हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, तो ये शुरू हो रहे हैं आपके 29 जुलाई से, और लास्ट डेट आपके रजिस्ट्रेशन की 18 अगस्त रखी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है, अगर आपने BBTech कर रखा है इन डिसिप्लिन से, आपकी सैलरी भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।